What's up everyone? Welcome back to the channel. तो so, अब as per our 20 days plan बारी आ चुकी है accounting ratios की Ratios में guys हमारे पास चार तरीके की ratios हैं जिसमें कि हमारे पास liquidity, solvency, profitability और turnover ratios. पहले वाले रेशोज का मैंने आपको एक ब्रीफ दिया था फर्स्ट पार्ट में तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा रेशोज क्या हैं कैसे कैलकुलेट होती हैं वो जाके चेक करो और उसके अंदर हमने स्टार्ट कर थी लिक्विडिटी रेशोज जिसमें मैंने लिक्विडिटी रेशोज के फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे करंट रेशो क्विक रेशो अब आज हम लिक्विडिटी रेशोज के क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं आफ्टर दिस विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आर सोल्वेंसी प्रॉफिटेबिलिटी एंड टर्न ओवर तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं हमें क्या सीखना है हमारी लिक्विडिटी रेशोज में चलिए लेट्स बिगेन तो शुरू करेंगे हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर वन के साथ फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशो एंड गिव योर कमेंट्स ऑन इट कमेंट्स के नाम पे सर क्या देना होता है कमेंट्स के नाम पे तो बेटा बस ये बताना होता है कि आइडियल है या नहीं है ठीक है तो करंट रेशो कैलकुलेट करना है करंट रेशो का सीधा सीधा फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी कौन कौन से चाहिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये तो नॉन करंट एसेट हो गया तो ये तो नहीं आएगा करंट इन्वेस्टमेंट ये आपका करंट एसेट में आ जाएगा इन्वेंट्री जिसमें लूज टूल्स हैं पचास के तो इन्वेंट्री हम लेंगे करंट एसेट में लेकिन हम दो अस्सी माइनस पचास दो तीस लेंगे इन्वेंट्री इन्वेंट्री हम लेंगे टू थर्टी तो ये आ जाएगा इन्वेंट्री आ जाएगा ये तो नहीं आएगा ट्रेड रिसिवेबल हमारे करंट एसेट्स का पार्ट है दोनों हमारे ये भी करंट एसेट है 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 उसके बाद ट्रेड पेबल ये आपकी करंट लाइबिलिटी में आ जाते हैं ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स बीपी ये सब करंट लाइबिलिटी में आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉन करंट लाइबिलिटी है शॉर्ट टर्म बोरिंग ये हमारी करंट लाइबिलिटी है शॉर्ट टर्म है तो कंसिडर करेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये भी करंट लाइबिलिटी का पार्ट है इसको भी हम कंसिडर करेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस ये हमारे करंट एसेट है इसको हम मिलेंगे. तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो कैलकुलेटर कहां है हमारा तो फटाफट -फड़ से सबसे पहले करंट एसेट्स लिख लेते हैं एक जगह कौन कौन से हमारे पास करंट एसेट्स हैं देखो शुरू करते हैं करंट एसेट से तो 40 दो तीस एक साठ और बीस चालीस दो तीस एक साठ बीस करंट एसेट्स चार हो गए उसके बाद एक कैश तीस हजार ये आ गया फोर एट्टी के तो आ गए हमारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी हमारे पास कौन कौन सी हैं ये एक दो तीन चार एक बीस और दस एक तीस एक तीस और पचास एक अस्सी दो लाख सीधा सीधा दो लाख आ गया तो फोर एट्टी डिवाइड बाय टू लाख टू पॉइंट फोर रेशो वन ये हमारे पहले सवाल का आंसर आ जाता है टू पॉइंट फोर रेशो वन फोन में कैलकुलेटर यूज करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बीच में ही मेल आ गई तो मैं खुद मेल पढ़ने लग गया कि किसका मेल आ गया तो क्या आता है हमारे पास टू पॉइंट फोर रेशो वन ये सीधा सीधा आपका करंट रेशो कैलकुलेट हो जाता है आइडियल करंट रेशो क्या होता है टू रेशो वन ये इससे बेटर है दिस इज अ गुड रेशियो करंट एसेट्स आपके ज्यादा है तो अच्छा है इस कंपनी का पोजिशन इज गुड तो इस तरीके से आप करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो अगले सवाल पे चलते हैं चेक करो सर कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन करंट रेशियो निकालना है क्या क्या जानकारी दी गई है सर एक तो टोटल एसेट्स दिए गए हैं टोटल एसेट है आठ लाख के फिर उसके बाद हमारे पास फिक्स एसेट्स दिए गए हैं फिक्स एसेट्स कितने के हैं पाँच चालीस के फिक्स एसेट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है अरे सर ना तो करंट है ना करंट लाइबिलिटी क्या करें तो बेटा जी अगर कभी भी इस तरीके का सवाल आए कभी भी इस तरीके का सवाल आए तो हमेशा क्या, क्या करो बैलेंस शीट बना लो हमेशा क्या, क्या करो बैलेंस शीट बना लो वर्किंग नोट्स में तो जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है तो जब आप बात करोगे बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट में एसेट्स में दो एसेट्स आ जाएंगे आपके पास नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स ठीक है एक तो नॉन करंट एसेट आ जाएंगे एक करंट एसेट आ जाएंगे इधर का जो टोटल होगा वो ही टोटल आपका इधर आ जाता है उसके बाद यहां पे तीन चीजें आती हैं शेयर होल्डर्स फंड नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी पहले तो इसको नोट डाउन कर लो कि अगर बैलेंस शीट की मदद से हमें क्वेश्चन सोल्व करना हो तो पता तो होना चाहिए बैलेंस शीट में क्या क्या है ठीक है अब देखो टोटल एसिट दिए मैं एट लाख के फिक्स एसिट दिए हैं फाइव फोर्टी के अब ये फिक्स एसिट क्या है फिक्स एसिट हमारा नॉन करंट एसिट का पार्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी नॉन करंट एसिट का पार्ट है तो नॉन करंट एसिट कितने हो गए मेरे पांच चालीस और एक दस छह पचास के तो नॉन करंट एसिट हो गए और आठ लाख के टोटल एसेट हैं। आठ लाख के हमारे टोटल एसेट हैं जो हमारे टोटल एसेट हैं वो तो हैं आठ लाख के ओके और इसके अंदर पांच चालीस और एक दस दो एसेट्स दिए हुए तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई छः पचास अब आठ लाख अगर इधर है तो इधर भी आठ लाख ही होता है क्योंकि बैलेंस शीट में तो दोनों तरफ बराबर होती हैं तो एट लाख अगर इस साइड आएगा तो इस साइड भी एक लाख आएगा दोनों तरफ बराबर होती है ना तो आठ लाख इधर तो इधर भी आठ लाख ही आ जाएगा ओके okay, और, 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 हो 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 शेयर होल्डर फंड दिया है छह लाख और नॉन करंट लाइबिलिटी दी हुई है अस्सी हजार शेयर होल्डर फंड सिक्स लाख एंड एट्टी थाउजेंड शेयर होल्डर फंड सिक्स -होल्ड लाख ंट लाइबिलिटी एट्टी थाउजेंड हो गया हमारा काम हमारा काम तो हो गया है सर कैसे हुआ हमारा काम हमें करंट रेशो निकालना है तो करंट रेशियो क्या है करंट अपॉन करंट लाइबिलिटी अभी दोनों ही मिसिंग है करंट लाइबिलिटी भी करंट एसेट भी सर कैसे मिलेगा टोटल अगर एट लाख है बेटा इन दोनों का टोटल एट लाख है जिसमें से नॉन करंट एसेट सिक्स फिफ्टी है तो इसका वैल्यू कितना आया इसका वैल्यू वन फिफ्टी आ गया तो करंट एसेट तो आ गए हमारे पास 150 फिफ्टी करंट लाइबिलिटी इधर 680 है और ये आपका 8 लाख है तो इसका वैल्यू कितना आया 8 लाख माइनस सिक्स तो 120 इसका बैलेंस आ गया तो ये आ गया हमारा 120 तो देखो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो सारी की सारी वैल्यूज यूजिंग बैलेंस शीट अब एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास वन पॉइंट टू फाइव रेशो वन ये आपका करंट रेशो सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है जी सॉर्टेड दिस इज डन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्या है हमारे पास अगला सवाल क्या है अगला सवाल है लो चेक करो चलो अब ये खुद ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं ठीक है क्योंकि इसके अंदर ना कुछ नया है इसके अंदर नया क्या है सर इसके अंदर नया है वर्किंग कैपिटल नया क्या है वर्किंग कैपिटल सर व्हाट इज वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल क्या होता है तो देखो वर्किंग कैपिटल होता है सी ए माइनस सी एल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी याद रखना कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अब ये कितना दिया हुआ है छ लाख ,00 दिया हुआ है ठीक है ट्रेड पेबल क्या है आपके पास एक करंट लाइबिलिटी है अदर करंट लाइबिलिटी कितने की है बीस हजार रुपए की है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है करंट रेशो निकालना है ठीक है तो यहां पे लिखते हैं हम करंट रेशो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी ओके सर ट्रेड पेबल एक करंट लाइबिलिटी हो गया और अदर करंट लाइबिलिटी भी करंट लाइबिलिटी हो गया तो 180 एट्टी प्लस ट्वेंटी दो लाख की करंट लाइबिलिटी आ रही है ठीक है सी ए माइनस टू लाख तो सर वर्किंग कैपिटल कितना है वर्किंग कैपिटल है सिक्स लाख वर्किंग कैपिटल है सिक्स लाख ,00 तो सर करंट एसेट्स कितने आ जाएंगे करंट एसेट आ जाएंगे आपके पास सिक्स लाख ,00 इधर जाके प्लस होगा सिक्स प्लस टू एट लाख सिक्स प्लस टू एट लाख के करंट एसेट आ जाएंगे आठ लाख ,00 के करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी कितने की आपकी दो लाख रुपए की दो लाख ,00 की करंट लाइबिलिटी तो रेशो आया फोर रेशो वन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो आंसर आता है वो फोर रेशो वन आ जाता है विच इज अ वेरी गुड पोजिशन ठीक है समझ आ रहा है आओ नेक्स्ट ये देखो बड़े ध्यान से तो गाइज ये क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से देखना है और बड़े ध्यान से करना है बस इसमें थोड़ा सा एक चीज सही कर लो जो क्विक रेशो है वो 1.8 है 1.8 1.8 का मतलब होता है 1.8 क्विक रेशो 1.8 है करंट एसेट कितने दिए हुए हैं करंट एसेट दिए हुए हैं अस्सी हजार रुपए के करंट लाइबिलिटी दिए हैं तीस हजार रुपए की वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालना है ठीक है कोशिश करते हैं तो देखो क्विक रेशो क्या होता है क्विक क्विक होता है एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी सर क्विक एसेट्स क्या है क्विक एसेट्स मैंने बताया था करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस टैक्स तीन चीजें मैंने आपको लिखवाई थी आई पी ए इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस टैक्स बट इस क्वेश्चन में बस इन्वेंट्री निकालना है तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि प्रीपेड एट रेशो वन ये पॉइंट एट रेशो वन अब क्या आपको कोई वैल्यू पता है आपको करंट लाइबिलिटी पता है करंट लाइबिलिटी कितनी है तीस हजार करंट लाइबिलिटी कितना है तीस हजार है तो करंट लाइबिलिटी को आपको रखना है यहां पे, यहां पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्विक एसेट्स अपॉन थर्टी थाउजेंड इज इक्वल टू वन पॉइंट एट अपॉन वन ये इधर मल्टीप्लाई क्विक एसेट्स इज इक्वल टू थर्टी थाउजेंड इंटू वन पॉइंट एट तो थर्टी थाउजेंड इंटू वन पॉइंट एट फिफ्टी फोर थाउजेंड के क्विक एसेट्स आ गए फिफ्टी फोर थाउजेंड के

किसके बराबर होगा क्विक लाइबिलिटी वैल्यू पुट कर दी वैल्यू पुट करी इन दोनों में से करंट एसेट गिवन था माइनस इन्वेंट्री करके वैल्यू निकाल दी इन्वेंट्री की सीधा सीधा जो कि कितनी आएगी ये इधर ये इधर करंट एसेट कितने थे हमारे पास करंट एसेट्स हमारे पास थे अस्सी हजार रुपए के ओके okay. तो हमारे पास जो इन्वेंट्री आ जाएगा वो आ जाएगा अस्सी हजार माइनस फिफ्टी फोर था क्योंकि ये ट्वेंटी सिक्स छब्बीस हजार रुपए की इन्वेंट्री और ये आपका आंसर बात समझ में आया तो इस तरीके से हमारे पास बेटा जी हो जाता है क्या क्विक रेशो में इन्वेंट्री ढूंढने वाला सवाल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट क्विक रेशो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है दो पचास चेक करते हैं क्विक रेशियो निकालना है सर क्विक के लिए क्या क्या डेटा चाहिए होगा मुझे सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो वर्किंग कैपिटल को मैं लिख सकता हूँ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी ये है दो पचास ये तो मुझे दिया हुआ है ठीक है उसके बाद टोटल कर्जा दिया हुआ है जिसमें लॉन्ग टर्म का कर्जा ये होगा अच्छा जी ठीक है हो गया काम हमारा देखो टोटल डेट फोर लैक है जिसमें लॉन्ग टर्म थ्री ट्वेंटी है तो अगर फोर लैक में लॉन्ग टर्म थ्री ट्वेंटी है तो शॉर्ट टर्म कितना हुआ भाई अगर लॉन्ग चार लाख है तो शॉर्ट टर्म सॉरी टोटल अगर चार लाख है जिसमें लॉन्ग तीन बीस है तो शॉर्ट टर्म कितना एट्टी थाउजेंड है ना तो करंट लाइबिलिटी आ गया अस्सी हजार और ये है दो लाख पचास हजार करंट एसेट माइनस एट्टी थाउजेंड इज इक्वल टू टू फिफ्टी ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो यहां से करंट एसेट की वैल्यू निकली टू फिफ्टी प्लस एट्टी थ्री लाख थर्टी थाउजेंड करंट एसेट आ गए हमारे पास तीन लाख तीस हजार तीन तीस आ गए या नहीं आ गए ठीक है मुझे क्या फाइंड आउट करना है क्विक रेशो निकालना है ओके क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला है क्विक रेशो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी तो मुझे पता चल गया कि टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म हटा दो तो शॉर्ट टर्म आ जाएगा अस्सी हजार चार लाख माइनस तीन लाख बीस हजार तो 80,000 थाउजेंड आ गया है ना अब क्विक एसेट्स क्या है क्विक कैसे निकलेंगे? क्विक निकलेंगे, क्विक करंट आई आईपीए आईपीए जानते हो ना इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेज एडवांस टैक्स करंट एसेट्स कितने हैं ये निकाले तीन तीस माइनस इन्वेंट्री गिवन है क्या ये इनवेंट्री दो लाख दो लाख ,00 का इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस दस हजार यह भी माइनस कर दो सर एडवांस टैक्स नहीं है तो जीरो मान लेना तो 3, में से दो लाख ,00 गया तो वन थर्टी थर्टी में से दस हजार गया तो वन ट्वेंटी आपके क्विक एसेट्स आ गए 120 के आपके आ गए क्विक एसेट्स तो मेरा क्विक रेशो कितना आ जाएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाई एंड पॉइंट फाइव रेशो वन रेशो 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 इसका आइडियल 1, 1 होता है तो ये अच्छा सिचुएशन है कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से आप क्विक रेशो कैलकुलेट कर सकते हो तो गाइज ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन कौन सी रेशोज के ऊपर लिक्विडिटी रेशोज के ऊपर लिक्विडिटी रेशोज में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते करंट रेशो क्विक रेशो पे ही क्वेश्चंस होते हैं और वो काफी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि मैं आपको अभी सैंपल पेपर्स भी कराऊंगा तो उसके अंदर बहुत सारे रेशोज के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको ईजी होगा बट चार रेशोज पे चार विडियोज आपके पास आने वाली है यानी कि लिक्विडिटी हमने इसमें कर ली अगली वीडियो आपके पास सॉल्वेंसी की आएगी फिर अगली वीडियो आपके पास टर्न ओवर की आएगी फिर नेक्स्ट वीडियो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी की आएगी तो आपको मेरे साथ साथ करनी है चार वीडियोज में आपके चारों रेशोज हो जाएंगे इंक्लूडिंग द थ्री न्यू रेशोज तो साथ साथ पढ़ते चलना मेहनत करना और 20 डेज प्लान के हिसाब से फोड़ के चलना इसके साथ साथ एडीएस भी तुम्हें तैयार करना है चैप्टर नंबर सेवन ऑलरेडी अपलोडेड है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा करते चलो और आगे बढ़ो ऑल द बेस्ट एवरी वन मिलता हूं मैं न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे सोलवेंसी रेशो तब तक आप इसको कंप्लीट करो सी सुपर सुन बाय